चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस कैसे रेज किया जाएगा और क्या क्या अलग अलग तरह के सोर्स हैं बिजनेस फाइनेंस को रेज करने के लिए। फाइनेंस एक बिजनेस के अंदर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर आज के टाइम पे कोई भी एक्टिविटी अगर हमें परफॉर्म करती है तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं और उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए होता है। बिजनेस का ब्लड है फाइनेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूटिलाइज आवर फंड्स एंड हाउ टू रेज आवर फंड्स इन एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सारी चर्चा हमारी इस चैप्टर के अंदर बिजनेस फाइनेंस के ऊपर चलेगी, तो धीरे धीरे हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं रीजंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब हमारे रीजंस क्या हैं, हमें फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फिर हमें ये भी बोल सकता हूँ नीड ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस। तो बेसिकली दो तरह के रिक्वायरमेंट हैं हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस की। एक तो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो खर्चा जो बिजनेस के अंदर एक टाइम पर होता है और वो फ्लक्चुएट नहीं करता। मतलब अगर आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो उसकी सेटअप कॉस्ट को हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एक बार जब आप अपने बिजनेस के अंदर बिल्डिंग मशीनरी प्लांट ये सारी चीज़ इंस्टॉल करते हो तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारा फंड एक बार ही हमें ब्लॉक करना पड़ता है इन चीज़ों पर। और ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है परचेज ऑफ अ कैपिटल असेट्स लैंड बिल्डिंग मशीनरी। स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना उनके अंदर जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है क्योंकि उनको कोई ज़्यादा सेटअप करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में। जैसे अगर आपने एग्जांपल देखा होगा कि एक चाय वाला है, एक चाय वाला अगर कोई कैफ़े के अंदर बेच रहा है, अगर कोई भी चाय कैफ़े के अंदर मिल रही है तो उस कैफ़े की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत हाई होगी उसी चाय की कॉस्ट जो एक टपरी पे मिल रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ के अंदर। यहाँ पे जैसे लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर लार्ज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी बताया आपको। फिर आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि टू फेस टू डे टू डे ऑपरेशंस, कोई भी बिजनेस के अंदर है ना हमें डे टू डे ऑपरेशंस को भी कैरी आउट करने होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमें परफॉर्म करना होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो फंड चाहिए उस फंड को बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एग्जांपल जैसे सैलरी हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं। इसके बाद आता है हमारा फंड। अब फंड क्या होता है, दो टाइप के फंड है, एक तो ओनर फंड और एक है बोरोड फंड। ओनर फंड क्या है और बोरोड फंड क्या है तो ये समझिए। ओनर फंड वो फंड होता है जो खुद ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर लगाया है, और बोरोड फंड वो होता है जो हमने किसी और एंटिटी से हमने लोन लिया है, किसी से बोरो करा है, तो उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड। अब इसके बीच में एग्जांपल हैं कुछ और इसकी डिफरेंस, बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और उससे ही आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगी इनकी। प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ओनर फंड इज़ प्रोवाइडेड बाय द ओनर, मतलब ओनर प्रोवाइड करता है। बोरोड फंड रेज थ्रू द लोन्स और बोरोइंग, मतलब लोन्स और बोरोइंग से हम इसको रेज करते हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल बोलूँ ओनर फंड के तो शेयर और रिटेन अर्निंग, ये सारे एग्जांपल शेयर प्रेफरेंस शेयर रिटेन अर्निंग ये एग्जांपल है ओनर के फंड की। और अगर मैं बोरोड फंड की बात करूँ डिबेंचर लोन और ट्रेड क्रेडिट, ये बोरोड फंड है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि बेसिकली क्योंकि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर ये काम चलेंगे कि हम इनके पहले शेयर्स के बारे में देखेंगे, फिर हम रिटेन अर्निंग के बारे में देखेंगे, फिर डिबेंचर लोन ट्रेड क्रेडिट GDR ADR IDR। धीरे धीरे भी हम प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है ओनर फंड जो होता है, वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, और जो बोरोड फंड होता है वो रिपेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब हमें एक पीरियड के बाद हमें उसको रिपे करना पड़ता है, जिसका पैसा है उसको हमें उसको वापस देना पड़ता है। फिर आता है हमारा जो अलग बेसिस है, अगला बेसिस है डज नॉट रिक्वायर सिक्योरिटी, मतलब इसके अंदर सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। जो ओनर फंड होता है उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि ओनर का ही पैसा है, और जो बोरोड फंड है उसके अंदर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है।
जब क्योंकि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन आप पे ट्रस्ट कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा लगा रही है, तो उसको कोई सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर फर्दर अगर फ्यूचर के अंदर आपकी कंपनी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस सफ़र कर रही है और जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो वो लॉस का इम्पैक्ट उसकी लोन पर नहीं होना चाहिए। वो अपने जो अमाउंट है वो उसको वैसे ही हालत में उसको वापस चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ओनर फंड के अंदर डज नॉट रिक्वायर इन सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, आपका आपका बिजनेस है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, और बोरोड फंड तो उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी। सब्जेक्टेड टू रिस्क, जो ओनर फंड है वो सब्जेक्टेड टू रिस्क है। रिस्क का मतलब कि भाई आपका पैसा है, अगर लॉस हुआ तो रिस्क ज़्यादा होगा। और मतलब अगर सपोज़ आपने अपने बिज़नेस के अंदर 5,000 रुपीज़ लगाए हैं, अगर अगर आपका कल बिज़नेस अगर डूब गया तो 5,000 पूरा ही ख़त्म हो जाएगा और आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जो बोरोड फंड है, नॉट सब्जेक्टेड टू एनी रिस्क, मतलब कि जो बाहर की व्यक्तियों ने, बाहर के लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चले ना चले, उनको अपना एक फिक्स रिटर्न, फिक्स्ड अमाउंट प्रिंसिपल के साथ और इंटरेस्ट के साथ वो उनको वापस चाहिए होगा। तो उसको बोलते हैं ये नॉट सब्जेक्टेड टू एनी रिस्क, इसमें कोई भी रिस्क की गुंजाइश ही नहीं रहती। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स, शेयर्स मीन्स अ शेयर इज़ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। जो ये शेयर की डेफिनेशन है, शेयर का मतलब क्या है, बेसिकली जो कंपनी का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको हम बहुत सारे अमाउंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और हर एक अमाउंट को, हर एक यूनिट को हम बोलते हैं शेयर। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइफ, उसके अंदर सेल बेसिक यूनिट थी, वैसे ही कैपिटल का जो कंपनी के अंदर जो कैपिटल होता है उसका बेसिक यूनिट होता है शेयर्स। अब शेयर्स के अंदर ये देखो, एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये डेफिनेशन है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। पर्सन, पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन जो होल्ड करता है शेयर्स को, पर्सन जो होल्ड करता है शेयर्स को उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। जो पर्सन शेयर्स को होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। और जो कैपिटल ऑब्टेंड हुआ है शेयर के थ्रू, जो कैपिटल ऑब्टेन हुआ है शेयर के थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अगर मैं शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दूँ, फर्दर क्लासिफिकेशन कर दूँ शेयर कैपिटल की, तो इसके अंदर एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब मतलब क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है जब कोई भी कंपनी फॉर्म अप होती है तो वो एक अमाउंट रजिस्टर्ड करवाती है कि इससे ज़्यादा हम अपने शेयर्स इशू नहीं करेंगे, ये हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल है, मेरी कंपनी का इतना ही शेयर कैपिटल होगा ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी। इशूड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जो कंपनी इशू करती है लोगों को, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जो लोग कंपनी पर विश्वास करते हैं और उसके शेयर्स को परचेज करते हैं। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब है जितना अमाउंट, जितना शेयर, सपोज एक 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने ना 9 रुपये कॉल्ड अप कर रहे हैं, तो मतलब 10 रुपये पे 9 रुपये कंपनी ने कॉल्ड कर लिए हैं, कंपनी ने ले लिए हैं, और 1 रुपया जो अनकॉल्ड है वो आपके पास अभी भी है और कंपनी इसको फ्यूचर में कॉल कर सकती है और फ्यूचर में आपसे 1 रुपया ले सकती है। पेड अप का मतलब है जितना अमाउंट आपने एक शेयर पर पे कर दिया है उसको हम बोलते हैं पेड अप। इसके बाद आते हैं शेयर के टाइप्स, तो शेयर के 2 टाइप होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा पेपर के अंदर, नॉर्मल चीज़ें आपको याद करके रखनी है और समझना है चीज़ों को बेसिकली। फिर हम इक्विटी शेयर्स के बारे में एक बार थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर होता क्या है, इसका फीचर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, ये ओनर फंड होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ओनर का फंड, ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। सपोज़ अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर शेयर खरीद रहे हैं तो आप जितने अमाउंट का आपने शेयर खरीदा ना, उतना परसेंटेज आपका ओनरशिप हो जाएगी कंपनी के अंदर। सपोज़ अगर आपने रिलायंस के अंदर 5,000 रुपीज़ के शेयर खरीदे तो 5,000 की ओनरशिप है आपकी उस कंपनी के अंदर। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट फिक्स डिविडेंड, मतलब क्या है, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। फिक्स डिविडेंड का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप ओनर हो किसी भी अपना, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो आप अपने बिज़नेस से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई मुझको इतना फिक्स्ड रिटर्न तुम दो।
आपका जो रिटर्न होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, क्या पता किस ईयर में आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करो और किस ईयर में आपके पास लॉस भी हो सकता है, तो आपको बेयर करना पड़ेगा। आपको हर बार आपको प्रॉफिट नहीं मिले ये कोई भी गारंटी नहीं है इसके अंदर, तो आपको कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ही बिज़नेस स्टार्ट करा है, आप ही प्रमोटर हो, आपने ही इनिशिएटिव लिया है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी रिस्क बेयरर, पर जो प्राइमरी रिस्क बेयर होते हैं इक्विटी शेयर हो जो होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं प्राइमरी रिस्क बेयरर। प्राइमरी रिस्क बेयरर का मतलब कि जो भी लॉस होगा, जो भी अगर आपको कोई एक्सपेंस हुआ या फिर लॉस हुआ आपके बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले जो लॉस सफ़र करेंगे वो होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट ऑल्सो एन्जॉय हाई प्रॉफिट इन द प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, तो इनका जो प्रॉफिट का शेयरिंग है वो भी हाई होगी, मतलब अगर लॉस हुआ तो लॉस भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर एग्जांपल अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी देखें, तो सपोज़ अगर आपके पापा कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो अगर उनको लॉस हुआ तो वो भी वही बेयर करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट भी हुआ ना तो वो भी टोटल का टोटल प्रॉफिट आपके पापा को ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी का मतलब है कि इनके पास राइट होता है कि ये अपना ओपिनियन दे सकें अपने मैनेजमेंट के अंदर कि भाई मुझे ये चेंजेस चाहिए, या फिर मुझे ये चेंजेस सही नहीं लग रहे बिज़नेस के अंदर, या फिर आपको ये करना चाहिए अपने हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ओके। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो।